पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जो कैंडिडेट हैं भाजपा के, जो प्रत्याशी हैं, लगातार नॉमिनेशन करा रहे हैं, किस तरह की तैयारी है भाजपा की तरफ से? मैं बात कर दूं, 5 वर्ष सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसके तहत हम लोगों ने काम किया है। इसी बात को लेके हम लोग चुनाव में आए हैं और भाजपा के सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, सबके नामांकन हो चुके हैं। आज यहाँ पर मुरादाबाद कांट के प्रत्याशी राजेश कुमार चुन्नू जी का नामांकन हुआ है और अब चूंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के आधार पर चुनाव में कहीं कोई टक्कर में नहीं है, एक तरफा सब जगह भारतीय जनता पार्टी विजयश्री की ओर बढ़ रही है। चूंकि विकास के मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, लगातार देखने में आ रहा था कि जिस तरह से अभी विरोध, जो प्रत्याशी थे उनका विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था, उसका कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अभी विरोध हुआ कुछ, बिलारी में विरोध हुआ, उनका पुतला तक फूंका गया, क्या लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा? वो कोई भी ऐसे विपक्ष के लोग रहे होंगे, परमेश्वर लाल सैनी 100% बहुत बड़े मतों के अंतर से जीत के विधानसभा में इस बार पहुंचने वाले हैं और अपने उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी का मुरादाबाद में आगमन है, उनकी तैयारी के सिलसिले में मैं आज यहाँ कचहरी में आया हूँ क्योंकि हेलीकॉप्टर से उनको आना है, स्थान तय होना है, परसों उनका बाजार में जनसंपर्क का भी कार्यक्रम है, तो इस संदर्भ में अभी यहाँ पर जो आरोह हैं इसके उनसे वार्ता करने का, तो परमिशन वगैरह लेंगे उसकी जो भी आचार संहिता के अनुसार उसके। ठीक, चल बे अविनाश। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।